आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरा नाम है गुलनार शेख और गुलनार के व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और 3 दिन से मेरा व्लॉग आया नहीं, क्योंकि जब से हम लोग अलीबाग से आए थे उसके बाद मैं घर के कामों में थोड़ा बिजी हो गई थी और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। तो उस वजह से जो है घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग सब मस्त हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी मैं निकली हूँ मेरे हस्बैंड के साथ जाने के लिए एक मीटिंग में, है ना। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कुर्ला जाएगी, कुर्ला से फिर देखते आगे क्या है। हाँ, तो मीटिंग है कुर्ला में है, तो कुर्ला में एक मीटिंग जो कंप्लीट करके अगर वहाँ से कुछ कॉल आता है तो हम लोग जाएंगे, नहीं तो मुझे कुछ सामान भी खरीदना है, कुछ शॉपिंग करनी है। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी अपने एक छोटे से व्लॉग में। आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ छोटा सा होने वाला है, तो फुल वॉच कीजिएगा। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग का खा पी के हो गया है और मैं आई थी माटुंगा में, अयप्पन इडली में। और वहाँ पर अभी ये टाइम पे हम लोग को बहुत भूख लगी थी। हम लोग ने कुछ 4-5 वैरायटीज़ मंगाई थी ना, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतनी भूख लगी थी कि वो शूट करने से पहले उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। तो सिर्फ मैंने आपको जो है मेरा डोसा ही बता पाई, जैसे कि मेरा सादा डोसा बहुत फेवरेट है, वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं दादर कैलाश लस्सी पीने के लिए, जो कैलाश की लस्सी है वो पीने के लिए। तो चलिए मैं चल के वहाँ का जो है आपको बता दी। अभी ये हम लोग माटुंगा है ना, माटुंगा में। तो अभी अयप्पन इडली से हम लोग निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं दादर, दादर से कैलाश लस्सी पी के हम लोग फिर जाएंगे वहाँ से रे रोड। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में मेरे बने रहिएगा। और ये है माटुंगा फुल मार्केट, है ना, यहाँ पर सबसे बड़े बड़े हार मिलते हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े हार मिलते हैं। क्या बोल रहे हो? सबसे बड़े हार वगैरह इधर ही मिलते हैं सब, पूरे मार्केट के अंदर, मार्केट में। दादर में नहीं मिलते, दादर में खाली कच्चे फूल मिलते हैं इधर। तो जो मैंने आपको बताया वो है माटुंगा हार बाजार, फूल मार्केट। फूल मार्केट तो कैसे, दादर में जो है होलसेल में अपने को जो सिर्फ फूल मिलेंगे और यहाँ पर जो है हार वगैरह बना के मिलते हैं। तो बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छे डिजाइन में जो है हार यहाँ माटुंगा में बना के मिलता है। तो वो माटुंगा फूल बाजार काफी फेमस है, आपको तो पता ही होगा। तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 2 मिनट खड़े रहने का, गाड़ी पे टोल लगा दी। यहाँ पर पार्किंग नहीं है शायद, है ना। 2 मिनट के बाद कितना बड़ा हार रखे थे, ऐसे बड़े बड़े हार ही बनते हैं इधर। सो फ्रेंड्स, कुर्ला में जो हम लोग गए थे तो हम लोगों ने अपनी जो कार सर्विसिंग का भी बताया। तो अभी जो है हम लोग यहाँ से अपना काम निपटा के गैरेज में कार सर्विसिंग के लिए देने वाले है ना, रात में देंगे तो वो गाड़ी हमको कल तक मिलेगी। तो वहाँ से जो है हमें ऑटो करके जाना पड़ेगा घर पे, क्योंकि बाइक वगैरह तो कुछ लाए नहीं, ऑब्वियसली हम कार में आए तो अभी ऑटो में जाएंगे हम लोग। और कैसा है, हम लोगों को बाहर लॉन्ग टूर पे जाना है तो उससे पहले जो सारे जो गाड़ी के छोटे मोटे काम होते हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे स्वीटी में कुछ काम तो है नहीं। अब मेरी गाड़ी का नाम मैंने स्वीटी रखा है, वैसे भी तो मेरे स्वीटी में ऐसा कुछ काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे जो काम होते हैं, क्योंकि जब हाँ सर्विसिंग करना वगैरह जो भी है वो हम लोग करवा के ले रहे हैं। वो इसलिए करवा के ले रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग मुंबई के बाहर जाते हैं तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम ना आ जाए रास्ते में, जो है हम लोग अच्छा खैर खैरियत से जावे और अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह आ जावे। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो है हम हमारी गाड़ी को अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद जहाँ भी जाना है हम जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 3 दिन से मेरा व्लॉग आया नहीं था, तो आप लोग मेरे चैनल से मतलब वो नहीं करना, रिश्ता नहीं तोड़ना, बने रहना। मैं आपके लिए बैक टू बैक इंशाल्लाह व्लॉग्स लाते रहूँगी और जैसे भी रहेगा, मतलब व्लॉगिंग में तो यही आता है जो डेली रूटीन में आप करते हो, चाहे वो घर का काम हो या आपका बाहर का काम हो, प्रोफेशनल भी आपको मतलब दिखाना होता है, घर का भी दिखाना होता है। तो मैं दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलती हूँ। तो वैसे ही जो भी मैं मेरा जो लाइफ में चल रहा है यानी डेली रूटीन में जो मैं करती हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करते रहूँगी। तो मेरे चैनल पे ज़रूर बनिएगा और मेरे चैनल को ग्रो करवाइएगा, है ना यार, सब्सक्राइब करो। तो प्लीज़ अभी मेरे हस्बैंड के बोलने पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो
और अभी तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, मेरे 360 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो फटाफट से आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो, अगर नहीं भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मैं आगे चल के आपको इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के डालूंगी। तो आप शूट्स वगैरह सब बाकी है जी, अभी तो शूट्स का बाकी है, सब बाकी है, अभी तो ईद हो गई है, अभी तो माशाल्लाह से सारे भी बाकी आने वाली है, और भी लाइव शूट्स होगी। क्या बोल रहे हो? अपकमिंग मूवी आएगी, मूवीज है, लाइव शूट्स है, एपेक्स प्राइम पे जो मूवी आने वाली है, अभी उनका कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, सर्वर अपडेट हो रहा है, इस वजह से जो हमारा होल्ड पे है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मूवीज भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, तो वो सब चीज़ें भी जो है आपको बहुत जल्द मेरे चैनल पे देखने मिलेगा। तो अभी ये सब चीज़ें मिस मत करिएगा, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए आप। अभी हम लोग आ चुके हैं दादर स्टेशन के पास, तो आप देख सकते हो अभी यहाँ से जो है हम लोग कैलाश लस्सी वाला उसके पास जाएंगे। मैं पहले भी आ चुकी हूँ लेकिन बहुत टाइम पहले आ चुकी हूँ, है सामने कैलाश लस्सी। हाँ तो देखिए, मैं जो है वहाँ का लस्सी बहुत फेमस है, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, तो वो बोले चल आज, नहीं तो हम लोग को ये रोड से इतना जाना नहीं था एकदम, है ना, ट्रैफिक वाला रोड है, यहाँ पर स्टेशन है, बहुत रश है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कैलाश लस्सी पीने के हम लोग इधर आए हैं। तो चलिए मैं आपको लस्सी लेके और पी के बताती हूँ कैसा है। कैलाश जम्बो वड़ा पाव, कैलाश मंदिर, और ये कैलाश मंदिर ही कैलाश लस्सी है, वही और मिठाई दोनों वही है ना। पार्किंग पार्क करके आएंगे किधर पे? पार्किंग तो मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगी, आप देखो मिलेगी, पार्किंग करके आना पड़ेगा, मैं इतना ज्यादा चल के नहीं आऊंगी, वो आना ही तो पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत रहेगा तो मैं आऊंगी चल के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है दादर स्टेशन के पास कैलाश लस्सी वाला जो हम लोग आए हैं उधर पे ही, और ये दादर मार्केट भी है यहाँ पर। कैसी है लस्सी? तो फ्रेंड्स ये है कैलाश की लस्सी, तो चलिए मैं इसको जो है आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ऑब्वियसली ये अच्छी है, तो ये है कैलाश और ये है उसकी लस्सी। कौन सा मार्केट है ये? दादर मार्केट। दादर मार्केट ये सारे यहाँ पर ड्रेसेस ही हैं, मतलब दिख रहे हैं ये रेडीमेड है, शायद रेडीमेड है। और अभी हम लोग आ गए कहाँ पर? दादा साहब फाल्के रोड। दादा साहब फाल्के रोड दादर। दादर थोड़ा जोर से बोला करो, मेरे सब्सक्राइबर लोग को, मेरे YouTube फैमिली को कैसे सुनाई देगा। तो चलिए फिर अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से रई रोड, तो मैं वहाँ पर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ रई रोड में दादर बाबू की दरगाह पे, तो वहाँ पर मैं आपसे मिलती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया मैं दरगाह पे नहीं गई थी, तो आज कुरला जब आए थे तो मेरे हस्बैंड ने बोले चल मैं तेको दरगाह पे लेके चलता हूँ, तो फिर मैं जा रही हूँ दरगाह पे। वहाँ पर दरगाह पे कुछ ज़्यादा कैप्चर करने मिलता नहीं है, वहाँ पर जो है वीडियो शूटिंग अलाउ नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको बताऊँगी। और वहाँ दरगाह पे जाने का मुझे बहुत सुकून मिलता है, तो मैं बोली ठीक है मैं चलती हूँ वहाँ पर। और उनकी जो दरगाह दादा बाबू की वो उधर उंझा शरीफ में, उंझा में, तो मैं वहाँ पर भी बहुत जाते हैं हम लोग, है ना यार, माशाल्लाह। और अभी मैं उंझा भी जाने वाली हूँ, उंझा जाने का भी बहुत दिल था, लेकिन अभी मैं बोली चलो यहाँ पर भी रई रोड भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी मैं जा रही हूँ अभी। और थर्सडे के दिन मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि थर्सडे के दिन बहुत ज़्यादा रश होता है, तो थर्सडे तो नहीं जाती हूँ, तो आज थोड़ा खाली रहेगा तो अच्छे से अंदर जाने में मिलता है। तो फिर ठीक है चलिए, मैं अगर दरगाह का हो सके तो आपको बता पाऊँगी, नहीं तो फिर दरगाह से निकलने के बाद मैं मिलूँगी। और आपसे मैंने कहा था ये व्लॉग छोटा सा होने वाला है, लेकिन नहीं, ये व्लॉग अच्छा खासा लंबा ही होगा, बड़ा ही होगा, तो फुल वॉच कीजिएगा, आधा अधूरा मत देखिए, है ना, वो पूरा देखिए। और तुम्हारे जो आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ाइए, पूरा व्लॉग देखो। हाँ, बहुत जल्दी एंट्री करने वाला हूँ व्लॉग में। हाँ ये तो आई ना पॉइंट की बात, अभी ये बोल रहे हैं बहुत जल्दी व्लॉग में एंट्री करने वाले, तो सोचिए फिर बहुत सारा फन होने वाला है। तो 1000 सब्सक्राइबर ऐसी बढ़ जाए। अच्छा देखिए, बोल रहे हैं कि अगर ये व्लॉग में एंट्री करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मतलब कि मुझे देख के सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। चलिए खैर, कुछ भी हो सब्सक्राइबर बढ़ने से मतलब है, चाहे आपकी एंट्री हो या ना हो।
जाना है रानीबाग। हाँ चलो रानीबाग में आपको बताती हूँ ऊपर से। अरे हाँ यार बच्चों को लेकर आने का है, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मैं रानीबाग भी लेकर आऊँगी। चलो मैं ऊपर से आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये रानीबाग, और माशाल्लाह बोलते हैं बहुत अच्छा बना है, पहले से नहीं पहले से काफ़ी अच्छा बन गया है। तो इसके अंदर चल के भी एक दिन फुल ब्लॉग में आपको बताऊँगी, डालूँगी मैं अपने चैनल पर। तो फाइनली मैं जो है अभी दरगाह के साइड रोड पे आ चुकी हूँ, और गाड़ी मैंने बहुत पीछे पार्क की हुई है क्योंकि मेट्रो के वजह से, मेट्रो का काम चल रहा है, उस वजह से रास्ते थोड़े बंद चल रहे हैं। तो पहले कैसा डायरेक्ट हम दरगाह के पास आ जाते थे, लेकिन अभी बहुत रास्ता खुदा हुआ है रोड, तो थोड़ा चल के आना पड़ रहा है। तो चलिए मैं अभी दरगाह के अंदर जाके आपको जो है जितना मुझे कैप्चर करने मिलेगा उतना बताती हूँ। सो फ्रेंड्स जो है मैं निकल चुकी हूँ अभी दरगाह से, और अभी मैं डायरेक्ट जा रही हूँ घर के, अभी जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। और गाड़ी अभी जाने वाली थी सर्विसिंग के लिए, लेकिन अभी नहीं जाएगी, कल मॉर्निंग में जाएगी, है ना। के जो गैरेज वाले बंदे से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी शाम में मत छोड़ो, कल अर्ली मॉर्निंग जो है गाड़ी छोड़ देना, तो वही इवनिंग तक रेडी करके दे देंगे। तो चलिए फिर मैं निकलती हूँ घर के लिए। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, है ना, कैसा लगा? अच्छा लगा, बिना देखे इनको अच्छा लगा। तो आज का व्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा बिना देखे, और वैसे भी वो मेरा व्लॉग्स देखते नहीं है, भगा भगा के देखते हैं, उन्हें बस हिंदुस्तानी रिपोर्टर और टीवी मुंबई, ना बस यही देखना होता है, वो ये गली न्यूज़। तो यही देख देख के जो है उनके व्यूज़ बढ़ाते रहते, मेरे व्यूज़ के इनको लेना देना है नहीं कि मेरा बढ़े नहीं बढ़े, नहीं लेना देना है ना आपको। हाँ तो ठीक है, चलिए व्यूज़ YouTube फैमिली से तो मेरे आ जाएंगे इंशाल्लाह, आज नहीं कल तो व्यूज़ बढ़ेंगे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आज मुझे अपने फ्रेंड से मिलने मुमरा जाना था, वहाँ पर भी मैं नहीं जा पाई, तो उनको लगेगा कि आज फिर मैंने आने का बोला और नहीं आया। तो इंशाल्लाह शाइन बाजी, वो छोटे से ब्लॉग देख रहे तो बोले छोटे से शाइन बाजी। तो वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और उनका नाम है शाहीन, और मैं आज नहीं जा पाई, लेकिन मैं संडे या तो फिर 25 तारीख को, क्योंकि संडे पॉसिबल नहीं है। हाँ क्योंकि ये जो हफ्ता है, हाँ ये हफ्ता ज़रा बिजी है। और कैसा है ये हफ्ते में 19 तारीख को मेरी बहन की जो है गोद भराई है, और फिर नेक्स्ट डे सैटरडे को जो है थोड़ा काम से बाहर भी जाना है, तो पॉसिबल नहीं है, और संडे भी शायद बिजी रहेगा। तो 25 तारीख को जो है मुमरा में जो दरगाह है बाबा फकर, जो कि बहुत मुझे सुकून मिलता है वहाँ जाके। आप सोचोगे कि जैसे दरगाह दरगाह ही जाती है, तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरगाह दरगाह ही जाती हूँ, मुझे वली अल्लाह के दर पे जाना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा वहीं जाती हूँ। कहीं पर भी नई जगह नई दरगाह पे जाने की कोशिश करती हूँ जहाँ पर मैं नहीं गई हूँ। और अभी तो इंडिया में ऐसी बहुत सी दरगाह जो मैं नहीं गई हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं एक दिन पूरी इंडिया की दरगाह की टूर करूँगी, और ये मेरा एक ड्रीम है, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी पूरा होगा। और बस अल्लाह के घर पर बुलावा आया, तो इंशाल्लाह उमरा या हज करने भी जाएंगे अपने माँ बाप को लेके हम दोनों, है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस अल्लाह तौफीक दे इतना कुछ करने की। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मेरा व्लॉग पूरा जब आपने देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।